Hello friends, welcome to the CGPSC mobile course of Competition Community. I'm Nikhat Parvin Khan, and today's class of polity will be dealing with the topic of the constitution, and that is emergency provisions. We'll be dealing with all the aspects of the emergency provisions mentioned in our constitution in the part 18 from article 352 to 360. Okay, 352 से 360 के बीच में इमरजेंसी के जितने प्रोविजंस दिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको हम डील करेंगे. काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में से पूछे जाते हैं, आप ये जानते हैं, इसे वाकिफ ही होंगे अगर आपने लास्ट ईयर के पेपर्स आपने देखे होंगे. ठीक, तो इसके जितने आस्पेक्ट से क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी पहलुओं को हम कम्पिटिटिव लेवल से आज इस क्लास में डील करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग, व्हाट इज इमरजेंसी. मैं जितने भी पॉलिटी के टॉपिक्स आपको पढ़ाई हूँ उसमें सबसे पहले मैंने उसका बेसिक कंसेप्ट बताया. ठीक है, अगर हम पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज़ पार्लियामेंट, अगर हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो हु इज़ द प्रेसिडेंट. पहले तो समझें कि जो आप पढ़ रहे हैं वो क्या है. इतना तो सबको पता ही होगा दैट इमरजेंसी प्रोविजन्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंट फॉर द गवर्नमेंट टू मीट एनी एबनॉर्मल सिचुएशन विच इज़ अराइजन. ठीक है, इंडिया में अगर कोई भी अबनॉर्मल सिचुएशन अराइज हो जाती है तो उनको मीट करने के लिए ये इमरजेंसी के प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 18 में 352 से 360 के बीच में डाले गए. सी, आई वोंट बी एम्फसाइजिंग ऑन द पार्ट इन द आर्टिकल, क्योंकि आपने जो शेड्यूल वाला पार्ट पढ़ा, शेड्यूल वाला लेक्चर पढ़ा, शेड्यूल पार्ट्स आर्टिकल्स एक्सेट्रा, वहाँ पर आओ आपने पूरा याद कर ही लिया होगा. मैंने वहाँ पे एम्फेसाइज किया था कि कौन कौन से पार्ट्स और कौन कौन से आर्टिकल की रेंज इंपॉर्टेंट है, और उसी में मैंने आपको बताया था कि पार्ट 18 जिसकी टाइटल इमरजेंसी है उसके आर्टिकल्स को आप अच्छे से याद करेंगे ही. ठीक है, तो आज हम आर्टिकल वाइज ना जाकर के उन आर्टिकल्स में जो ज़रूरी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए दी गई हैं उन्हीं को डील करेंगे. ठीक, तो व्हाट इज इमरजेंसी, एज आई सेड विल बी फर्स्टली डीलिंग विद दिस कि क्या है इमरजेंसी. वैसे तो ये वर्ड अगर आप इंग्लिश में देखें तो इमरजेंसी इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड, जो हम कोई भी चीज़, एक होता ना कि अचानक से कोई चीज़ हमको करनी पड़ी, एनीथिंग विच इज़ नॉट प्री प्लान्ड, अचानक कोई चीज़ सामने आ गई और हम कर रहे हैं तो हम उसको कहते हैं इमरजेंसी. बट व्हाट एम आई आस्किंग हियर इज़, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द इमरजेंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन, पर्टिकुलरली एडमिनिस्ट्रेशन में अगर मैं इमरजेंसी की बात कर रही हूँ तो वो क्या चीज़ है. ठीक, तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ उसके एस्पेक्ट्स को किए हैं, यहाँ पे लिखे हैं, पहले उनको रीड कर लेते हैं फिर उनको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक, एज अ रिटन हियर, यूनिटरी फीचर ऑफ गवर्नमेंट, इमरजेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज अ यूनिटरी फीचर ऑफ गवर्नमेंट. आई विल बी टेलिंग यू हाउ अ टाइम पीरियड, दिस इज द डेफिनेशन, ये जो लिख रही हूँ मैं यहाँ पे लिखा है मैंने, ये डेफिनेशन है. इट इज़ अ टाइम पीरियड इन एन It is a time period in administration when due to any special reason, federal governments gets replaced by unitary government in a particular area. ठीक है, हम decode करेंगे सभी को जो कुछ लिखा है, पहले पढ़ लें. Either the existence or importance of the state ends. ठीक है, ये तो एक किस तरह का फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो पहली लाइन बताती है. दूसरी लाइन इमरजेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन को बताती है. तीसरी जो लाइन है वो कहीं ना कहीं इसके इफ़ेक्ट को बताती है, इफ़ेक्ट का या मैं कहूँ इसके नेचर को बताती है कि किस तरह का प्रोविज़न है, किस तरह का नेचर है इसका. और चौथी, ये तीसरी और चौथी दोनों ही पॉइंट्स इसके नेचर और इफ़ेक्ट को बताते हैं. पावर्स गेट सेंट्रलाइज्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी. नाउ डीजनरेट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. यू ऑल नो दैट आस इज़ अ फेडरल स्ट्रक्चर. इंडिया एक फेडरल कंट्री है जिसमें क्लियर डिवीजन है सेंट्रल स्टेट के बीच में पावर्स का, दिस अ डिवीजन ऑफ पावर. ठीक है, देयरफॉर वी हैव अ यूनियन लिस्ट, वी हैव अ स्टेट लिस्ट, वी आल्सो हैव अ कंकरेंट लिस्ट, एंड द गवर्नमेंट रन्स विद द कोऑपरेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट, वी ऑल नो दैट. ठीक, लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ फेडरलिज्म की, तो फेडरलिज्म में मतलब ये है कि जो यूनियन और स्टेट लिस्ट है उसमें जो भी सब्जेक्ट्स मैंशनड हैं, रेस्पेक्टिव जो भी सेंट्रल या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उन सब्जेक्ट्स पर वही कानून बनाएंगे. अगर एक सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में मेंशन है तो उस पर कानून सेंट्रल ही बनाएगी, अगर वो स्टेट लिस्ट पे मेंशन है तो उस पर कानून स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल है वही बनाएंगे. दे डू नॉट नॉर्मली इंटरफियर इन ईच अदर्स लॉ मेकिंग प्रोसेस. I repeat, they do not normally interfere in each other's law making process. Parliament में जिन subjects पे कानून बनने हैं वो state पे नहीं बनाएंगे.
स्टेट्स पे जिन सब्जेक्ट्स में कानून बनने हैं उसमें सेंटर इंटरफियर नहीं करेगी, सेंटर नहीं बना सकती, पार्लियामेंट नहीं बना सकती स्टेट सब्जेक्ट के लॉस को, वो स्टेट को दे दिए गए. ठीक है, वी ऑल नो दैट देर आर 100 सब्जेक्ट्स जिस पर पार्लियामेंट में लॉज बनेंगे. ठीक है, देर आर 61 सब्जेक्ट्स एंड 52 सब्जेक्ट्स इन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट जिस पे स्टेट में बनेंगे और फिर कॉन्करेंट लिस्ट वाले में दोनों में मिलकर बनाए जा सकते हैं. ठीक है, ये आप सभी जानते हैं कि इस तरह से फेडरल स्ट्रक्चर हमारा गढ़ा गया है. तो नॉर्मली यही होता है, बट इमरजेंसी एक ऐसा सिचुएशन होती है, एक ऐसा टाइम पीरियड होता है. गो टू द डेफिनेशन डायरेक्टली. एक ऐसा टाइम पीरियड होता है एडमिनिस्ट्रेशन का जब किसी स्पेशल रीजन से एबनॉर्मल हो गया. एबनॉर्मल मैंने कहा शुरू में ना कि एबनॉर्मल जो भी रीजंस हैं उससे डील करने के लिए, एबनॉर्मल सिनारियो या कंडीशन से डील करने के लिए कोई स्पेशल रीजन से, किसी वजह से, खास वजह से फेडरल गवर्नमेंट गेट्स रिप्लेस बाय यूनिटरी गवर्नमेंट. एज आई सेड, फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल स्टेट में डिवीजन ऑफ पावर. और ये इतना इंपॉर्टेंट फीचर है फेडरल गवर्नमेंट कि आप अमेंडमेंट के जरिए फेडरल स्ट्रक्चर को हटा भी नहीं सकते. देर इज नो सच अमेंडमेंट पॉसिबल जिसमें आप ये कह दें कि इंडिया इज नो मोर अ फेडरल कंट्री, इट विल ऑनवर्ड्स बी अ यूनिटरी कंट्री. ऐसा अमेंडमेंट भी नहीं हो सकते. इट इज़ वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. फेडरलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. लेकिन कोई ऐसा टाइम पीरियड जिसमें किसी खास वजह से आप उस फेडरल स्ट्रक्चर को, यानी वो डिविजन ऑफ पावर को रिप्लेस कर दे रहे हैं यूनिटरी स्ट्रक्चर से. एंड वॉट इज यूनिटरी स्ट्रक्चर और यूनिटरी फीचर? वेयर ऑल द पावर इज सेंट्रलाइज्ड. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द इंट्रोडक्टरी चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वेरियस एस्पेक्ट आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि यूनिटरी फीचर क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है. यूनिटरी का मतलब है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, एंड फेडरलिज्म का मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर. तो कोई ऐसी टाइम पीरियड, कोई ऐसे रीज़न जिसकी वजह से हमें कुछ वक्त के लिए फेडरल स्ट्रक्चर को सस्पेंड करके यूनिटरी स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन में लगा देना पड़ रहा है, उसी टाइम पीरियड को आप इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं. फेडरल स्ट्रक्चर को हटा दिया, यूनिटरी स्ट्रक्चर लगा दिया, मतलब जो डिवीजन ऑफ पावर है उसमें इफेक्ट आएगा. और वो कैसा इफेक्ट आएगा? ईदर द एग्जिस्टेंस और द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टेट्स एंड्स. इफेक्ट ऐसा आएगा कि पावर जब पूरा सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स रहेंगी उनका या तो अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगा, या किसी तरह से उनका इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगा. वो रहेंगे भी तो नाम मात्र के लिए रहेंगे, उनका पूरे पावर सेंट्रलाइज्ड हो जाएंगे. पावर्स गेट सेंट्रलाइज्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी. स्टेट गवर्नमेंट जो फेडरल स्ट्रक्चर के तहत एग्जिस्टेंस में थी, अगर कुछ समय के लिए आप यूनिटरी स्ट्रक्चर लगा रहे हो तो स्टेट गवर्नमेंट्स के रहने नहीं रहने का कोई मतलब नहीं. इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इमरजेंसी कि उनका एग्जिस्टेंस खत्म होता है कि इंपॉर्टेंस खत्म होता है, तो टाइप ऑफ इमरजेंसी में डिपेंड करता है. पर इतना तो है कि या तो स्टेट गवर्नमेंट्स रहेंगी ही नहीं, या रहेंगी भी तो सिर्फ नाम मात्र के लिए रहेंगी, उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा. बिकॉज ऑल द पावर्स विच स्टेट अर्लियर हेड विल गेट सेंट्रलाइज, और वो सारे पावर्स सेंट्रली एग्जीक्यूट करेगा. इसका मतलब ये कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का कार्य भी सेंट्रल पार्लियामेंट ही करेगी. ठीक है, तो जब भी इमरजेंसी लगती है, मैं सिर्फ नेशनल इमरजेंसी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऑल थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी की बात कर रही हूँ. थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं इमरजेंसी वर्ड को थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे. किसी भी तरह की इमरजेंसी लगे, इतना तो है कि जिस हिस्से में, यानी इंडिया के जिस भाग में, जिस तरह की भी इमरजेंसी लगी, तो उस तरह के सब्जेक्ट मैटर्स के पावर पूरे सेंट्रलाइज्ड हो जाएंगे. स्टेट गवर्नमेंट उस पर डिसीजन नहीं लेगी, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी. दिस इज इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन. आई होप यू आर गेटिंग इट. आई हैव पुट एवरीथिंग इन मेनी मेनी वर्ड्स. ठीक है, अलग अलग तरह से उसको डिफाइन करने की कोशिश की है. तो इसलिए मैंने कहा इट इज नथिंग बट अ यूनिटरी फीचर ऑफ द गवर्नमेंट. वी ऑल नो कि इंडिया हालांकि फेडरल है, लेकिन इंडिया में बहुत सारे ऐसे फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के, बहुत सारे फीचर्स हैं इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के जो यूनिटरी हैं. ठीक है, ये मैंने आपको अर्लियर ही बताया था कि यूनिटरी फीचर कौन कौन से. उनमें से एक फीचर इमरजेंसी. ये एक ऐसा फीचर है जिसमें ये समझ में आता है कि इंडिया फेडरल तो है बट सेंट्रल ज़्यादा पावरफुल है. ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस आ सकती हैं जिसमें स्टेट के पावर्स ख़त्म हो सकते हैं कुछ वक्त के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ वक्त के लिए, और सेंट्रल ज़्यादा पावरफुल हो सकता है. इमरजेंसी ऐसी सिचुएशन है. तो यूनिटरी फीचर है ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, और इमरजेंसी का ये यूनिटरी फीचर इंडिकेट करता है कि इंडिया एक ऐसा फेडरल कंट्री है
जिसमें सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इमरजेंसी के ज़रिए हम कुछ समय के लिए स्टेट के पावर को कम कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सेंटर द्वारा स्टेट के पावर्स कम किए जा सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ दोज यूनिटरी फीचर्स, ठीक है। सो इट इज़ अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर। कहते ना इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर, तो इमरजेंसी प्रोविजन इसी क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर का या इसी यूनिटरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ वॉट इमरजेंसी इज। अब किसी भी तरह से आपको इसे पूछा जाए, आई होप आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि इमरजेंसी क्या है, और हमने नॉर्मली कई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी देखे इंडिया में इमरजेंसी के। अब इसके टाइप पर जाने से पहले जो और एक कॉमन तीनों ही तरह की इमरजेंसी में बात है उसको भी हम जान लेते हैं। पहली बात तो जितने भी तरह की इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है उनका डिक्लेरेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज इट। दूसरी चीज, इमरजेंसी लगाने के बाद यानी डिक्लेयर करने के बाद जब इमरजेंसी को हटाने की बात होती है तो वो भी प्रेसिडेंट ही करता है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट इन दिस चैप्टर ऑफ प्रेसिडेंट कि डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी और रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी इज डन बाय द प्रेसिडेंट, ठीक। लेकिन क्या प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से इमरजेंसी लगाता है? नहीं। याद रखिएगा कि कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन से ही प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाता है। तो रियल डिसीजन ऑफ इम्पोजिंग एन इमरजेंसी रेस्ट विद द सेंट्रल कैबिनेट, और वी कैन से इन कॉमन लैंग्वेज रेस्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार की ही कहीं ना कहीं मर्जी रहती है, क्योंकि प्रेसिडेंट इज जस्ट लाइक अ डमी हु एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ज़्यादातर उसकी जो रोल रहता है वो ऐसे ही रहता है। तो कैबिनेट मिनिस्ट्री जो होती है सेंट्रल की, वो रिटन में रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को कि भाई आप इंडिया में ये वाली तरह की या उस स्टेट में इस तरह की इमरजेंसी लगा दी। विल बी कमिंग टू व्हाट टाइप ऑफ इमरजेंसी आर देयर, ठीक है, आप ऐसी इमरजेंसी लगा दीजिए। तो पहला जो डिसीजन होगा वो कैबिनेट का होता है, उनकी खुद की मीटिंग होती है, वो लोग डिसाइड करते हैं, तो प्रेसिडेंट को कहते हैं। तो पहला स्टेप है द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। व्हाट एम आई टेलिंग यू नाउ? The steps of imposition of emergency in India. ठीक है, before moving on to the type of emergency, हम सब में जो common चीज़ है कि what are the steps, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले the cabinet, the central cabinet will decide that whether that type of emergency in that area has to be imposed or not. अगर वो decide कर लेती है कि हाँ भाई वो emergency impose करना है, तो it will give a written permission or the recommendation to the president. ठीक है, now the second step is the declaration or the proclamation of emergency by the president. प्रेसिडेंट फिर क्या है, डिक्लेयर करेगा या प्रोक्लेमेशन जारी करेगा कि हाँ भाई ये वाली इमरजेंसी लगाई जाती है यहाँ पर। तो सेकेंड स्टेप इज द डिक्लेरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। थर्ड स्टेप इज द पार्लियामेंट्री अप्रूवल। पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ठीक है, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट। संसद की भी अनुमति चाहिए होती है। कैबिनेट मतलब द मेजोरिटी पार्टी विच इज सिटिंग इन द लोकसभा, ओनली द गवर्नमेंट, ठीक है। इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, इज द एग्जीक्यूटिव, द मेन एग्जीक्यूटिव ऑफ द सेंटर, वो डिसाइड करेगी। प्रेसिडेंट फॉर्मेलिटी निभाएगा उसको डिक्लेयर करने की। लेकिन अगर इन दोनों के कहने से ही इमरजेंसी लग जाती तो फिर इंडिया की डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट आ जाती, क्योंकि एक मेजॉरिटी पार्टी जब चाहे तो प्रेसिडेंट से इमरजेंसी लगवा सकती है, जब चाहे। सेंट्रलाइज्ड हो रहा पावर, बहुत ध्यान से समझिए, सेंट्रल की गवर्नमेंट के पास पावर आ जाएंगे अगर कहीं भी किसी भी तरह की इमरजेंसी लगती है। तो वो तो चाहेगी ना कि जहाँ सिचुएशंस, जिन जगहों पर, जिन क्षेत्रों पर सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो वो तो चाहेगी ना कि वहाँ की पावर्स मेरे हाथ में आ जाए। तो ऐसे में तो कैबिनेट या सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट से कहलवा करके किसी भी तरह की इमरजेंसी कहीं पर भी लगवा सकती है। तो ऐसे में तो तानाशाही हो जाएगी, एक पार्टी रूल हो जाएगा। पर इंडिया में डेमोक्रेसी की तरह से पॉसिबल नहीं है, और ऐसा मतलब सही भी नहीं है। तो इसलिए जो तीसरी चीज़ है वो है पार्लियामेंट्री अप्रूवल। पूरी पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर्स इमरजेंसी की डिक्लेरेशन का अप्रूवल देंगे। जस्ट लाइक एनी अदर बिल, द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी विल बी केप्ट इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस। उस पर बहस होगी, उस पर वोटिंग होगी, एंड इफ़ इट गेट्स द मेजॉरिटी आफ्टर वोटिंग देन ओनली द इमरजेंसी विल कंटिन्यू, और इफ इट डजंट गेट इट वोंट। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं आप, अगर पार्लियामेंट में मंजूरी मिलती है, मेजॉरिटी मिलती है कि हाँ ये इमरजेंसी जायज़ है और इसे लगाना ही चाहिए,
तब वो इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर करके स्टार्ट कर दी है वो कंटिन्यू होगी, वरना उसे तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाएगा। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द पार्लियामेंट्री अप्रूवल। इफ इट वोंट अप्रूव द डिक्लेरेशन, इमरजेंसी फौरन हटा दी जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के एक्चुअल स्टार्ट कर रहा है कैबिनेट। ठीक है, देखो दिमाग की उपज किसकी है, कैबिनेट मिनिस्ट्री की। फॉर्मैलिटी कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है, पर द डिसीजन विच विल लाइक विच विल रेस्ट, द डिसीजन विच इज इम्पॉर्टेंट इज दैट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का ही डिसीजन रहेगा फाइनली कि हाँ ये इमरजेंसी लगनी है कि नहीं लगनी। ठीक है, तो कैबिनेट का रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट का डिक्लेरेशन और पार्लियामेंट का अप्रूवल। अब ये जैसे इमरजेंसी बोल देता है, डिक्लेरेशन कर देता है प्रेसिडेंट, तो इमरजेंसी उसी वक्त लग जाती है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि थर्ड स्टेप में आप ऐसा लिख लें कि इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी, और फोर्थ स्टेप में आप पार्लियामेंट्री अप्रूवल लिख लें, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट ने किया डिक्लेरेशन तो थर्ड स्टेप आप लिख सकते हैं इमरजेंसी अप्लाइड, इमरजेंसी इम्पोज हो जाती है स्टार्ट। अब इमरजेंसी इम्पोज होने के एक महीने, दो महीने, तीन महीने, डिपेंड करता है कौन सी इमरजेंसी है, उतने महीने के अंदर अंदर चौथा स्टेप पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए रहता है। अगर अप्रूव कर देती पार्लियामेंट तो इट विल कंटिन्यू, और एल्स नॉट। ठीक है, सो दीज आर द फर्स्ट स्टेप्स। ठीक है, थर्ड स्टेप याद रखना इम्पोजिशन, फिर फोर्थ स्टेप में आप इसे लिखेंगे। दिस इज द फोर्थ स्टेप ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी। मेनी अ टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कौन सा पहले होता है कौन सा बाद में होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से कोई किसी भी तरह की इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। आई होप यू हैव गॉट ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट। अब हम जो मेन चीज़ें हैं कि कितनी तरह की इमरजेंसी है और उनमें क्या क्या डिफरेंस है, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो सब बताते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइप्स। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर आप इमरजेंसी का देखेंगे तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। हमने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। आर्टिकल 352 मेंशंस द नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 मेंशन द स्टेट इमरजेंसी। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, डू रिमेंबर दिस, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, मैनी आर टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोलकर अगर बोला जाता तो वो भी स्टेट इमरजेंसी होती है। तो स्टेट इमरजेंसी बोलें आप या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोलें आप या प्रेसिडेंट्स रूल बोलें, वो ये 356 वाली इमरजेंसी है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन यही है। द थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी इज फिनेंशियल इमरजेंसी मेंशन इन द आर्टिकल 360। थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, ऑल आर डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट और उसी स्टेप्स में जैसे मैंने आपको बताया। अब डिफरेंस क्या है, तीनों इमरजेंसी में एरिया का डिफरेंस है, रीजन का डिफरेंस है, उसके अलावा इनके टाइम पीरियड का डिफरेंस है, दे मेनी डिफरेंसेस। ठीक है, लेकिन सब में ऐसा हो रहा है कि किसी ना किसी एरिया का किसी ना किसी तरीके से कुछ समय के लिए पावर सेंट्रलाइज हो जा रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर सस्पेंड हो जा रहा है। ठीक है, तो हम इन तीनों ही इमरजेंसी में सबसे पहले इन दोनों को पढ़ते हैं, वो भी कंपैरेटिव तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको इंडिविजुअल पढ़ने से कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए। क्योंकि जब आप तीनों इमरजेंसी को इंडिविजुअल पढ़ोगे तो आप बहुत सारी जो चीज़ें इसके बारे में पढ़ रहे हैं वही चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे, तो फिर कंपैरिजन करना मुश्किल होता है। मुश्किल मतलब फिर आपको एक अलग से टाइम देना पड़ेगा। तो बेहतर है कि हम समझते भी जाएंगे और कंपैरिजन भी करते जाएंगे। हम ये दोनों इमरजेंसी को कंपेयर करके पढ़ेंगे और मैं फाइनेंशियल इमरजेंसी लास्ट में अलग से पढ़ाऊंगी, उसकी भी वजह बताऊंगी कि मैंने इसको क्यों नहीं रखा। ठीक है, तो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द नेशनल इमरजेंसी एंड द स्टेट इमरजेंसी। ठीक, तो इग्नोर वॉट एवर हैज बीन रिटन हियर। ठीक है, एक एक करके पहले हम स्टार्ट करते हैं, या मैं लिख ही लेती हूँ। ओके, ठीक है, थोड़ा सा स्कैटर्ड था करके मैंने सारे पॉइंट्स एक के बाद एक लिख लिए, समझने पर ध्यान दें, पॉइंट्स बाद में नोट डाउन करें, पहले समझें फिर लिखें। ठीक, द फर्स्ट पॉइंट रिलेट्स टू द एरिया ऑफ इम्पोजिशन। नेशनल इमरजेंसी 352 में जो दी गई है वो कौन से एरिया में या कितने एरिया में लगाई जा सकती है, तो लिखा है एनी रीजन और एंटायर नेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल इमरजेंसी बोला गया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये जब भी इम्पोज की जाएगी तो सीधा पूरे नेशन में ही लगाई जाएगी। हालांकि भारत में जब भी नेशनल इमरजेंसी लगी है वो पूरे इंडिया में ही लगी है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट नेशनल इमरजेंसी हैज़ टू बी इम्पोज इन द एंटायर नेशन ओनली। इट कैन ऑल्सो बी इम्पोज इन अ पर्टिकुलर एरिया, इन अ पर्टिकुलर स्टेट, अ ग्रुप ऑफ 2 to 3 स्टेट्स, अ पर्टिकुलर रीजन, हाफ ऑफ इंडिया, फुल इंडिया। ठीक है, पूरे इंडिया में भी लगाया जा सकता है, आधे इंडिया में भी कुछ हिस्से में कुछ रीजन में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, पर मैक्सिमम जो बाउंड्री है वो इंडिया है। ठीक है, पूरे देश में जो इमरजेंसी लगाई जा सकती है एक ही डिक्लेरेशन के साथ, दैट इज नेशनल इमरजेंसी। वेयर एज प्रेसिडेंट्स रूल और स्टेट इमरजेंसी कैन बी इम्पोज इन अ पर्टिकुलर स्टेट।
किसी एक स्टेट में, छत्तीसगढ़ में लगा दिया, बिहार में लगा दिया, एमपी में लगा दिया, जब एक प्रोक्लेमेशन होता है, डिक्लेरेशन होता है, एक स्टेट के लिए पर्टिकुलर होता है, ठीक है? तो मिनिमम एंड मैक्सिमम एरिया ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी इज अ स्टेट. हियर मिनिमम इज अ स्टेट बट मैक्सिमम इज अ नेशन. मतलब एक स्टेट में नेशनल इमरजेंसी भी लग सकती है और स्टेट इमरजेंसी भी. फर्क क्या आ जाएगा? मतलब ये भी बोला जा सकता है कल को कि छत्तीसगढ़ में स्टेट इमरजेंसी लगती है, ये भी बोला जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में नेशनल इमरजेंसी लगती है, लेकिन फ़र्क क्या आ जाएगा बाकी की चीज़ों का, क्यों लगाया जा रहा है, ठीक है? वहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा. हालांकि इट इज़ प्लेनली सेड कि वेन एवर अ नेशनल इमरजेंसी इज इम्पोज इन अ स्टेट, इट इज़ टेकन इक्विवेलेंट टू अ स्टेट इमरजेंसी. पर कुछ चीज़ें फ़र्क होती हैं, वहाँ पे वजह में फ़र्क होता है, इम्पैक्ट में फ़र्क होता है, ठीक है? तो याद रखिए, नेशनल इमरजेंसी एक स्टेट में भी लगा सकते हैं, पूरे देश में भी, ठीक है? तो पहला वाला पॉइंट था एरिया ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रीज़न. और यही मैंने कहा ना, वजह दोनों की अलग है. नेशनल इमरजेंसी तीन ही रीज़न से लगाई जा सकती है: वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन. इसके अलावा कोई और रीजन से नहीं लगा सकते. इफ़ इट ऑल वी आर एट अ स्टेट ऑफ वॉर, ठीक है, किसी से भी हमारी वॉर हो रही है तो इंडिया की सिक्योरिटी अंडर थ्रेट हो जाती है, डेंजर में आ जाती है, तो उस टाइम पर हमें सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि इंडिया के फेडरलिज्म पर. तो बस इंडिया की सिक्योरिटी के लिए हम इमरजेंसी लगा सकते हैं, ताकि पूरे इंडिया में जो कानून है, ठीक है, ये कुछ हिस्से जहाँ पे डिस्टरबेंस है उस वॉर की वजह से, वहाँ पे जो कानून है उसमें एक रूपता रहे, यानी एक जैसा कानून बने. अलग अलग स्टेट को आपने दे दिए हैं पावर्स, अब वॉर हो रही है तो कोई स्टेट कोई कानून बनाएगा, कोई स्टेट फॉलो करेगा, कोई नहीं करेगा. व्हाट वी वांट, यूनिफॉर्मिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज हमको एक दूसरे बाहरी दुश्मन से जूझना है, ठीक है? तो ये मैंने कहा ना, एबनॉर्मल सिचुएशन, वॉर इज एन एबनॉर्मल सिचुएशन, ऐसे इस टाइम पर हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं. दूसरा इज एक्सटर्नल एग्रेशन, वी आर नॉट फाइटिंग बैड बट वी आर डिफेंडिंग, है ना, हमारे ऊपर हमला हो रहा है और हम डिफेंसिव वॉर में, तब भी इंडिया की सिक्योरिटी अंडर थ्रेट है, उस टाइम भी लगा सकते हैं. एंड द थर्ड वन इज़ आर्म्ड रिबेलियन, अगर इंडिया के अंदर के हालात इतने ज़्यादा वायलेंट हो गए हैं कि पीस, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में दिक्कत हो रही है, वायलेंट रिवोल्ट्स हो रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, आर्म्ड रिबेल्स हो रहे हैं, तो ऐसे केस में भी अगेन इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, वो तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इमरजेंसी नेशनल वाली इम्पोज की जा सकती है, ठीक है? तो यहीं से ध्यान में ये रखेंगे कि वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, दीज आर नोन एज एक्सटर्नल इमरजेंसीज, एक्सटर्नल इमरजेंसीज, वेयर एज आर्म्ड रिबेलियन इज नोन एज इंटरनल इमरजेंसी. ओके, एक्सटर्नल इमरजेंसी एंड दिस वन इज इंटरनल इमरजेंसी. ओनली देयर आर थ्री रीजंस जिसकी वजह से नेशनल इमरजेंसी लगाई सकती है, उसके अलावा नहीं. कमिंग टू द स्टेट इमरजेंसी, इज ओनली वन रीजन, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, लाइक इग्नोर द स्पेलिंग मिस्टेक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट. इफ इट ऑल फॉर एनी रीजन द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट गेट्स फेल्ड और गेट्स डिस्टर्ब्ड, तो स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है. अब इसका मतलब क्या होता है, वॉट इट इम्प्लाइज, एक स्टेट में वहाँ की जो गवर्नमेंट है वही वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है. अ मशीन इज समथिंग विच रन्स द डिवाइस, ठीक है? सो द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट इज समथिंग विच इज रनिंग दैट स्टेट, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट, सो दैट इज व्हाई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट. तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट, तो अगर गवर्नमेंट फेल होती है किसी स्टेट की तो आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, ठीक. अब फेल होती है मतलब, अगर मान लीजिए जब गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आई उसके बाद वो सही एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रही है और लोगों में भी असंतोष है कि ये सही एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, फिनेंशियल कंडीशन भी ख़राब हो गई है, ठीक है, इंटरनल पीस सिक्योरिटी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हैं, ठीक, मतलब द गवर्नमेंट is not able to handle the administration of the state. और ये सारी चीज़ों के लिए गवर्नर कहीं ना कहीं गवर्नर जो है वो श्योर हो जाता है या गवर्नर कन्विंस हो जाता है कि हाँ स्टेट गवर्नमेंट स्टेट को रन नहीं कर पा रही, या गवर्नमेंट की श्योरिटी बहुत ज़रूरी है गवर्नर की,
ठीक है, गवर्नर अगर श्योर हो जाता है उस स्टेट का कि हाँ द प्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू हैंडल दिस एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन ऑफ द स्टेट, तो वो सेंट्रल को रिकमेंडेशन कर सकता है कि भाई स्टेट की गवर्नमेंट को हटाइए और प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। तो याद रखिएगा ये वाला जो इमरजेंसी होती है प्रेसिडेंट रूल, ये उस स्टेट के गवर्नर के रिकमेंडेशन पर होती है। गवर्नर जो एक स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, जब उसे लगने लगता है कि वाकई में जो प्रेजेंट की गवर्नमेंट है वो नहीं कर पा रही है एडमिनिस्ट्रेशन, हर फ्रंट में हम फेल हो रहे हैं और यहाँ की डेमोक्रेसी, सिक्योरिटी, लॉ ऑर्डर, पीस सब अंडर थ्रेट आ गया है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, हम एक साँचे में नहीं ढाल सकते उसे एक डेफिनेशन में, ऐसी कोई भी सिचुएशन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो वो सारी बातों का रीज़न देते हुए सेंट्रल को बोलेगा कि आप यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा लीजिए। सेंट्रल फिर वो पूरा सर्वे करेगी, उसे लगेगा कि वाकई ऐसी सिचुएशन है, तो वो प्रेसिडेंट से कहलवा करके स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व करेगी और प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देगी। ठीक, तो याद रखें ये है रीज़न कि स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही तो गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को लगा दिया जाता है, एक तो ये। दूसरा, अगर किसी स्टेट में इलेक्शंस हुए हैं और इलेक्शंस के बाद किसी भी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है, देयर वन और टू बिग पार्टीज जिनको ज़्यादा सीटें मिली है पर क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है और ऐसी कोई कंडीशंस नहीं बन रही है जिससे गवर्नमेंट फॉर्म हो सके। You have seen many a times these situations in many state elections. ठीक है, हाल फिलहाल में हमें कई सालों में ऐसे situations देखी है कि दो तीन parties हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा बहुमत मिल गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा सीटें मिल गई, लेकिन किसी को clear majority 50% से ज़्यादा total votes का नहीं मिला। ठीक है, तो किसी की सरकार बनने के chances नहीं रहते, तो ऐसे में कई दिनों तक के जद्दोजहद चलती रहती है। ठीक है, खरीद फरोख्त की राजनीति शुरू हो जाती है। ठीक है, अलायंस बनाने की, गठबंधन बनाने की कोशिशें होती है। गवर्नर जो होता है स्टेट का, वो बहुत कोशिश करता है कि जो भी वहाँ पे जिनको जो सीटें मिली हैं उनके हिसाब से गवर्नमेंट फॉर्म करने की कोशिश करे। तो गवर्नर के वहाँ पे एक दायित्व रहता है कि वो सबसे बड़ी पार्टी को इन्वाइट करें कि आप गवर्नमेंट फॉर्म करें। बहरहाल कई बार ऐसा होता है कि ऐसा नहीं हो पाता, बहुत दिनों तक के इलेक्शन के बाद भी कोई सरकार नहीं बन पाती, तो ऐसे में एनआरकी की सिचुएशन आ जाती है। भाई कोई सरकार बन ही नहीं पा रही तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी वहाँ की, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा वहाँ का। ऐसे केस में इफ़ गवर्नर फील्स कि कोई सिचुएशन नहीं बन रही है सरकार बनने की, तो अगेन ही विल से टू द सेंटर कि भाई यहाँ पे कोई सिचुएशन नहीं तो आप यहाँ पे इमरजेंसी लगा दीजिए, तब फिर वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा। लेकिन गवर्नर को ताकीद की जाएगी कि आप जल्द से जल्द कोशिश करें कि जो भी इलेक्शंस के नतीजे आए उसके हिसाब से गवर्नमेंट फॉर्म हो, और अगर बहुत दिनों तक ऐसी सिचुएशन प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है और बहुत दिनों तक ये सिचुएशन तब भी नहीं बनती तो दोबारा इलेक्शन करवाए जाते हैं जिससे कि वहाँ पे गवर्नमेंट बन जाए। तो ये दो केसेस हैं, ये दो रीज़न हैं। ठीक है, अब देखो स्टेट गवर्नमेंट जो आ गई है अस्तित्व में वो अपना काम नहीं कर पा रही ठीक से, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो गया, और अगर इलेक्शन के क्लियर नतीजे नहीं आ रहे हैं तो इलेक्शन भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, वो भी उसका फेलियर हो गया। तो इस दोनों ही को हम कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर में डाल सकते हैं और ऐसे केस में किसी भी एक स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये इमरजेंसी लग जाती है तो फिर इफेक्ट क्या होता है, क्या होता है कोर्स ऑफ एक्शन। जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो इंडिया के सभी स्टेट, अब हमें एक लेके चल रहे कि मान लीजिए पूरे इंडिया में लग गई, ठीक है, वैसे तो कोई हिस्से में भी लग सकती है, मान लीजिए पूरे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लग गई, वॉर हो रही है, तो इंडिया के सभी स्टेट्स के पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में आ जाएंगे। ठीक, इंडिया के सभी स्टेट के सब्जेक्ट लिस्ट के जितने लॉ मेकिंग पावर्स हैं वो सेंट्रल पार्लियामेंट के पास आ जाएंगे। स्टेट में जो कानून बनने चाहिए वो पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक है, ठीक, लेकिन ध्यान में रखें कि स्टेट गवर्नमेंट्स डिसॉल्व नहीं होते। इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट्स के पावर सेंटर के पास चले जरूर जाएंगे पर स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ सेंटर का एग्जीक्यूटिव ऑर्गन बनकर रहेगा, सेंट्रल जो डिसीजन लेगी उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इनका इम्पोर्टेंस घट जाता है स्टेट का, बिकॉज अर्लियर इट वॉज मेकिंग द लॉज फॉर देयर स्टेट, बट एमरजेंसी में वो लॉ नहीं बनाएगी, वो सिर्फ सेंट्रल वाले हुक्म का मानेगी, उसको एग्जीक्यूट करेगी, तो इनका इम्पोर्टेंस घट जाता है। जबकि स्टेट एमरजेंसी में क्या होता है, जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगा तो कैसे लगा, या तो इलेक्शन के बाद नतीजे नहीं आए तो गवर्नमेंट तो थी ही नहीं, या फिर
जो गवर्नमेंट थी उसकी कंप्लेन की गवर्नर ने, तो उस गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, और फिर प्रेसिडेंट लगा दिया जाता है। इसका मतलब ड्यूरिंग स्टेट इमरजेंसी देर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए यहाँ पे, गवर्नमेंट, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी में इंडिया के सभी स्टेट की गवर्नमेंट्स रहती हैं, पर उनका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है क्योंकि उनके पावर सेंट्रल के पास चले जाता है, जबकि स्टेट इमरजेंसी में स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाता है, तो इनमें इंपॉर्टेंस नहीं रहता और इसमें तो एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता स्टेट गवर्नमेंट्स का, ठीक है, ये भी एक डिफरेंस ध्यान में रखें, तो ये एक इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक, आगे देखते हैं, पार्लियामेंट इटसेल्फ फ्रेम्स द लॉज। नाउ जब सारे पावर सेंट्रल के पास चले जाते हैं तो इंडिया के लिए कैसे कानून बनाने चाहिए, नेशनल इमरजेंसी में सारे लॉज पार्लियामेंट खुद बनाएगी कि पूरे इंडिया में कैसे कानून लागू होने चाहिए, ठीक है। इमरजेंसी के दौरान इंडिया के हर जगह के लॉज पार्लियामेंट खुद बनाएगी, वेयर एज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टेट इमरजेंसी पार्लियामेंट कैन डेलीगेट लॉ मेकिंग पावर टू प्रेसिडेंट और एनी अथॉरिटी। मान लीजिए छत्तीसगढ़ में कल को प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी, तो अब यहाँ के लॉज कौन बनाएगा, पार्लियामेंट भी खुद बना सकती है क्योंकि सेंट्रलाइज हो गया ना पावर, पार्लियामेंट भी खुद बना सकती है और पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को या किसी और अथॉरिटी को ये पावर डेलीगेट भी कर सकती है, ट्रांसफर भी कर सकती है, आप छत्तीसगढ़ के लिए लॉ बना दीजिए, ठीक है, वो अपने पावर किसी और को दे भी सकती है, प्रेसिडेंट बना सकता है या कोई और अथॉरिटी भी बना सकता है, पार्लियामेंट ही बनाएगी ऐसा कंपलसरी नहीं है, पर नेशनल इमरजेंसी में पूरे इंडिया के कानून को पार्लियामेंट को ही बनाना है, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी में स्टेट लॉज पार्लियामेंट ही बनाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक, अगली बात, आई हैव मेंशन अबाउट द पार्लियामेंट्री अप्रूवल कि जब इम्पोजिशन हो जाता है डिक्लेरेशन के बाद तो फिर कुछ दिनों के अंदर पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, तो नेशनल इमरजेंसी में एक महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए रहता है। पहले ये अवधि 2 महीने थी, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स किए गए जिसके बाद इसे घटा करके 1 मंथ किया गया। सो एज सून एज द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स द इमरजेंसी एंड इमरजेंसी स्टार्ट्स, नेशनल इमरजेंसी उसके स्टार्ट होते ही 1 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट की मीटिंग होना चाहिए और पार्लियामेंट अप्रूवल देगी तो कंटिन्यू होगा, बना नहीं 1 मंथ, ठीक है। और अगर हम स्टेट इमरजेंसी की बात करें तो यहाँ पे टू मंथ्स एस, ठीक है, किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल के डिक्लेरेशन के 2 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट अप्रूवल देगी तो इमरजेंसी लगी रहेगी, वरना नहीं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए डिफरेंस के साथ और इंडिविजुअली भी समझ में आए कि इसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, क्यों लगाया जाता है, कितने क्षेत्र में लगाया जाता है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है, नेचर क्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, सी पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिल तो जाएगा पर उसके लिए कैसी मेजॉरिटी चाहिए रही थी। देखिए अभी मेजॉरिटी में नहीं जाऊंगी क्योंकि एक आपका जो संसद वाला चैप्टर था, पार्लियामेंट वाला चैप्टर, उसमें मैं टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी पूरा डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ कि सिंपल मेजॉरिटी का क्या मतलब होता है, एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है, इफेक्टिव का क्या मतलब होता है, तो मैं यहाँ पर और डिटेल नहीं जाऊँगी। पार्लियामेंट में जब नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव किया जाता है 1 महीने के अंदर अंदर तो वो स्पेशल मेजॉरिटी से किया जाता है, वो भी कौन सी वाली, 2/3, ठीक है, 2/3 वाली जो स्पेशल मेजॉरिटी है उसे किया जाता है। वो टाइप ऑफ मेजॉरिटी में आप देखेंगे कौन सी मेजॉरिटी का मैं जिक्र कर रही हूँ, यानी ज़्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए अप्रूवल के लिए, ज़्यादा लोगों के अप्रूवल से नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ठीक है, जबकि सिंपल मेजॉरिटी से स्टेट इमरजेंसी को अप्रूव किया जाता है। पार्लियामेंट अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को या सॉरी प्रेसिडेंट रूल को अप्रूव कर रही है ना 2 महीने के अंदर अंदर, तो वो स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं, वो सिंपल मेजॉरिटी यानी मोर देन 50%, 100 में से 51 लोग ने बोल दिया कि हाँ उस स्टेट में लगा दो तो लग जाएगा, जबकि यहाँ पे 100 में से 2/3 यानी 67 लोग अगर बोलेंगे तब जा करके इमरजेंसी लगाई जाएगी, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल के लिए मेंबर्स की हामी जो चाहिए वो ज़्यादा लोगों की चाहिए, जबकि स्टेट इमरजेंसी को लगाना थोड़ा आसान है। ठीक, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखें, इमरजेंसी इज सच अ थिंग विच इज़ रेयरली यूज्ड। गवर्नमेंट में गवर्नमेंट को संविधान की तरफ से साफ ताकीद है कि फेडरल स्ट्रक्चर जो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन की सोल है उसे एकदम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन में डिस्टर्ब किया जाए। तो ध्यान ये रखिएगा कि कोई भी तरह की इमरजेंसी क्यों ना हो उसे लगाना काफ़ी मुश्किल है और हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बहुत आसान रखे गए हैं। मतलब संविधान बोलता है कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक ना लगाएं और जितने जल्दी से जल्दी हो सके हटा दें। लगाने का प्रोसेस टफ है, हटाने का प्रोसेस ईजी है, ठीक है।
तो ये ध्यान में रखिए, लगाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे लोगों की मंजूरी चाहिए रहती है, और हटाने के लिए ज़्यादा लोगों की मंजूरी भी नहीं चाहिए रहती, ठीक है। तो याद रखना, प्रोक्लेमेशन should be done in rarest of rare condition, or proclamation of emergency is more difficult, but the revocation of emergency is easier, क्योंकि emergency को last moment पे as a last step लगाना चाहिए, और हटाने के लिए पहला step होना चाहिए। अगर आप किसी भी वजह आपको मिलती है कि हटा सकते हो, तो आप फ़ौरन हटा दीजिए, फ़ौरन फ़ौरन, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं। और नेशनल और स्टेट इमरजेंसी हम जानते हैं कि ज़्यादा जो सेंसिटिव है, ज़्यादा जो पॉलिटिकली कह सकते हैं कि अफेक्ट करेगी, वो नेशनल इमरजेंसी, इसलिए इसे लगाने का प्रोसेस ज़्यादा टफ है, स्टेट इमरजेंसी के लगाने का प्रोसेस कम है। अगला देखते हैं, वैलिडिटी। वैलिडिटी मतलब अगर एक बार प्रोक्लेमेशन कर दिया गया, डिक्लेरेशन कर दिया गया, तो कितने समय तक लगाई जा सकती है। नेशनल इमरजेंसी इनडेफिनिट टाइम, कितने भी टाइम तक लगाई जा सकती है, 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 6 साल, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि किसे पता कि वॉर जो चल रही है वो कितने टाइम तक चल रही है। ऐसा है क्या कि हमने वॉर की वजह से इमरजेंसी लगाई और 2 महीने में वॉर ख़त्म हुई हो जाएगी। वी हैव हर्ड अबाउट 7 ईयर वॉर्स, वी हैव हर्ड अबाउट 10 ईयर वॉर, वी हैव ऑल्सो हर्ड अबाउट 100 ईयर वॉर्स। सो वी डू नॉट नो कि हमारी सिचुएशंस कब नॉर्मल होंगी। अगर सिचुएशंस एबनॉर्मल ही रहीं, तो हमें सिक्योरिटी को हमेशा ही तवज्जो देनी पड़ेगी, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, और सेकेंडरी में रहेगा फेडरलिज्म, ठीक है। तो जब तक के ज़रूरत रहेगी, तब तक इमरजेंसी नेशनल वाली लगाई जा सकती है। लेकिन याद रखिए, हर 6-6 महीने में, 6 मंथ्स, 6-6 महीने में इसका रिव्यू करेगी पार्लियामेंट कि कंटिन्यू होना चाहिए कि नहीं। जैसे अभी प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया, तो 1 महीने के अंदर नेशनल इमरजेंसी को पार्लियामेंट अप्रूवल दे दी, मान लीजिए, तो इमरजेंसी कंटिन्यू हुई, ठीक है। 6 महीने बाद फिर से पार्लियामेंट बैठेगी कि भाई, जो इमरजेंसी लगी थी उसको हम आगे कंटिन्यू करें कि नहीं। पार्लियामेंट बोलेगी कि हाँ कंटिन्यू करना है, तो फिर वो आगे 6 महीने, ऐसे 6-6 महीने, 6-6 महीने करके कितने भी समय तक के वो लगाई जा सकती। तो ऐसा है कि ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट के पावर शुरू में ख़त्म होंगे, बीच बीच में रिव्यू करेगी, उसे लगेगा तो कंटिन्यू होगी, वरना नहीं। ये भी प्रोविजन बाद में ऐड किया था, पहले नहीं किया गया था। मैं बताऊंगी ये सारी सिचुएशंस क्या थी, ठीक है। तो याद रखना, 6-6 महीने का रिव्यू के साथ कितने भी समय के लिए नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। लेकिन स्टेट इमरजेंसी की अगर बात करें, तो मैक्सिमम 3 ईयर्स, 3 साल। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन हद से हद 3 साल के लिए लगाया जा सकता है। सेंट्रल की उस स्टेट के गवर्नर को साफ ताकीद होती है कि आप 3 सालों के अंदर अंदर, यानी जब वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगी, उस 3 सालों के अंदर अंदर किसी भी तरह से जो वर्तमान में इलेक्शन हुए हैं वहाँ पे कोई नई गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करिए, या नए इलेक्शंस करवाइए, मतलब, या नए जो, अब अगर गवर्नमेंट को आपने डिसॉल्व किया है, तो नए इलेक्शन करवाइए और उनकी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करिए। मतलब कुल मिलाकर के सेंटर और स्टेट का गवर्नर पूरी तरह से जद्दोजहद में लग जाते हैं कि किसी भी तरह से स्टेट की गवर्नमेंट बनकर तैयार हो जाए। तो प्रेसिडेंट रूल हद से हद 3 साल के लगाया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट और लोकसभा बाय सिंपल मेजोरिटी। ये बात है रिवोकेशन की, कि नेशनल इमरजेंसी को लगा दिया गया, कितने भी समय तक लगा दिया गया, अब हटाने तो कैसे हटाएंगे। मैंने कहा ना कि लगाते वक्त देरी की जाती और हटाते वक्त जल्दी की जाती। तो ऐसा है कि आज आपने इमरजेंसी लगाई, 2 दिन बाद लगता है, 2 दिन बाद लगता है कि ज़रूरत नहीं तो हटा देगा प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से, ठीक है। हालांकि जब इम्पोज किया जाता है, तो एट अ टाइम 6 महीने के लिए किया जाता है। एक होता है ना कि हाँ, हम 6 महीने के लिए इम्पोज कर, पर महीने भर बाद भी अगर सिचुएशन हैंडल हो जाती, इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो महीने भर बाद भी प्रेसिडेंट हटा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इमरजेंसी लगाने के बाद ज़रूरी नहीं कि हम 6 महीने तक उसे रखें ही। लगाया जाता हर तरह की इमरजेंसी एट अ टाइम 6 महीने के लिए लगाई जाती है, तो पक्की बात है। लेकिन जल्द से जल्द हटाने की कोशिश की जाती है, वो 2-3 दिन के अंदर भी कर सकते हैं, आप हटा सकते हैं। तो प्रेसिडेंट या तो अपनी मर्जी से, जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है तो वो हटा सकता है इमरजेंसी, और अगर प्रेसिडेंट नहीं हटा रहा और लोगों को लगता है कि अब इमरजेंसी हटाई जा सकती है, तो फिर लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से एक बहुमत पारित, एक विधेयक पारित होगा कि जो वर्तमान इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, इसको हटाया जाए। केवल लोकसभा पार्टिसिपेट करेगी, और दूसरा सिंपल मेजोरिटी से। लोकसभा वाले बोलेंगे कि इमरजेंसी हटाने की ज़रूरत है, अगर लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी मिल गई तो फिर प्रेसिडेंट को बोला जाएगा, प्रेसिडेंट हटा देगा, ठीक है। तो या तो प्रेसिडेंट, देखो यह भी अपनी मर्जी बोल रही, मतलब
ये कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं ना प्रेसिडेंट का, अपनी मर्जी मतलब कैबिनेट की मर्जी, कैबिनेट कभी भी हटवा सकती है प्रेसिडेंट से, और अगर नहीं हटाती तो फिर लोकसभा यानी पूरे पार्लियामेंटेरियंस को यहाँ पर आना पड़ेगा। ठीक, तो या तो प्रेसिडेंट कैबिनेट के कहने पर स्वयं जल्द से जल्द हटा दे, नहीं तो जब सिचुएशंस ऐसी लगती हैं कि हटाई जा सकती है तो लोकसभा में एक विधेयक आएगा, बिल आएगा कि इमरजेंसी हटानी है। इफ़ इट गेट्स पास्ड विद अ सिंपल मेजॉरिटी देन द प्रेसिडेंट हैज़ टू रिवोक द डिक्लेयर्ड इमरजेंसी। ठीक है, सो व्हाट नाउ आई वांट टू टेल यू अबाउट द डिफरेंसेस। जब अप्रूवल मिल रहा था इमरजेंसी लगाना है कि नहीं तो पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए थी, लेकिन जब इसका रिवोकेशन किया जा रहा तो सिंपल मेजॉरिटी। तो मैंने कहा ना लगाने के लिए बहुत मुश्किल है लेकिन हटाना बड़ा आसान है। सेकेंडली, यहाँ मैंने लिखा नहीं है बट अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेज आर रिक्वायर्ड, बोथ द हाउसेज, यानी कि इमरजेंसी लगाना है कि नहीं उसके लिए जब अप्रूवल चाहिए होगा तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए रहेगी, पर जब हटाना है तो इवन राज्यसभा की भी ज़रूरत नहीं, अकेले लोकसभा एक ही सदन हटवा सकता है। तो वहाँ पर भी हुआ ना कि लगाना है दोनों सदनों को दो तिहाई बहुमत से ही लग सकता है, और हटाने के लिए लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से हटा सकती है। तो लगाना मुश्किल है, हटाना आसान है। ठीक है, वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट द स्टेट इमरजेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी को कभी भी हटाता है, ये लोकसभा वाला कोई प्रोविजन इसके लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि वैसे भी तीन ईयर का तो मैक्सिमम टाइम दिया ही गया ना, तो फिर लोकसभा को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं। प्रेसिडेंट जब चाहे तीन साल से पहले, छः महीने में, चार महीने में, महीने भर में गवर्नमेंट बन जाती, जब भी बन जाती प्रेसिडेंट हटा सकता है, और अगर नहीं हटाता तो तीन साल के बाद तो वैसे ही प्रेसिडेंट रूल ऑफ पे ख़त्म हो जाना है। तो लोकसभा वाला पॉइंट इसमें नहीं, तो स्टेट इमरजेंसी सिर्फ प्रेसिडेंट द्वारा हटाया जा सकती है। ठीक, अगला, टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड एट अ टाइम बाय वन ईयर टिल इंडेफिनिट टाइम। ये क्या बताता है? इफ़ेक्ट्स। अब हम इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे। हमने देख लिया इमरजेंसी लगाई गई, पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिला, कितने समय के लिए लगाई जाती है और कैसे हटाई जाती है। अब जब ये इमरजेंसी लगती हैं तो उस वक्त क्या फ़र्क आता है? ये तो मैंने आपको बता दिया पहले जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में कि जब इमरजेंसी लगाया जाता है तो पावर ऑफ एग्जीक्यूशन एंड लेजिस्लेशन जो पूरे स्टेट्स का होता है वो नेशनल के हाथों में आ जाता है, और अगर स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है तो पावर ऑफ एग्जीक्यूशन एंड लेजिस्लेशन जो स्टेट का होता है पर्टिकुलर वो नेशनल के हाथों में आ जाता है। यहाँ पर पूरे इंडिया के सेंट्रल के हाथों में आता है या फिर किसी एक स्टेट का सेंट्रल के हाथों में आता है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सारे स्ट्रीम के डिसीजन सिर्फ सेंटर लेती है। ठीक है, ये तो बताइए, उसके अलावा और क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं? एक इफेक्ट पड़ सकता है लोकसभा के टर्म पे, और ऐसा हुआ भी था, आपने सुना होगा 1975, 1976, 1977 इस टाइम लोकसभा इलेक्शंस होने वाले थे, उस दौरान लोकसभा के टर्म को दो बार एक्सटेंड किया गया था एक एक साल करके, क्योंकि उस वक्त तीसरी इमरजेंसी जो इंडिया की थी 1975 वाली वो लगी हुई थी। ऐसा है कि अगर इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगी है तो जाहिर सी बात है इंडिया की सिक्योरिटी खतरे में होगी, इसलिए लगाई गई। या तो वॉर चल रहा होगा, या तो बाहर से आक्रमण हो रहा होगा, या हिंसक विद्रोह हो रहे होंगे, तो कुछ तो सिक्योरिटी वाली बात है। ऐसे टाइम पे मान लीजिए जनरल इलेक्शंस के टाइम आ जाते हैं, इंडिया में लोकसभा का टर्म ख़त्म हो रहा है और नया इलेक्शन कराना है, तो क्या ऐसा टाइम जब हम इंडिया की सिक्योरिटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि ऐसे टाइम इलेक्शन हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो वहाँ पे पूरा पॉलिटिकल पार्टीज का ध्यान जो इलेक्शन की तरफ जाता है। इलेक्शन इट्सेल्फ इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉस्टली प्रोसेस, पैसा जाता है, संसाधन जाते हैं, ध्यान जाता है, पूरा का पूरा जो कह सकते हैं कि जो शिफ्ट है वो इधर से मतलब वॉर की तरफ से, इमरजेंसी की तरफ से शिफ्ट होकर के चला जाता है इलेक्शन की तरफ। ठीक है, और फिर जो वॉर चल रही है या बाहर से आक्रमण हो रहे हैं या इमरजेंसी है, ये पॉलिटिसाइज हो जाता है पूरी तरह से। तो संविधान कहता है कि अगर इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो आप चाहें तो लोकसभा के इलेक्शन को इमरजेंसी के दौरान टाल सकते हैं। अब इसमें आप कहेंगे कि भाई मतलब लोकसभा के इलेक्शन को टाल सकते हैं, मतलब ऐसे में तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी उसकी तो फिर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से अपने टर्म को बढ़ा सकती, पूरी लोकसभा की मंजूरी चाहिए रहेगी। ठीक है, पूरी पार्लियामेंट की मंजूरी चाहिए रहेगी। इनफैक्ट मान लीजिए इमरजेंसी लगी हुई है और टर्म को बढ़ाना है कि अभी हम इलेक्शन पर ध्यान नहीं दे सकते, तो पार्लियामेंट में एक बिल आएगा कि लोकसभा के टर्म को एक्सटेंड करे कि नहीं, और लोकसभा राज्यसभा में अगर पारित हो जाता है वो बिल तो एट अ टाइम लोकसभा के टर्म को एक साल तक बढ़ाया जाता है, एट अ टाइम एक साल तक। ठीक है, और टिल इनडेफिनिट टाइम
क्योंकि इमरजेंसी ही कितने टाइम तक लग सकती है, नेशनल इमरजेंसी, तो एक एक साल करके टर्म को कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है, ध्यान रखें, ठीक है। जब तक कि सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो जाती, जब तक इमरजेंसी नहीं हटती, एक एक साल करके लोकसभा की टर्म को बढ़ाया जा सकता है, नए इलेक्शंस नहीं होंगे। ऐसा मैंने कहा ना कि एक ही बार हुआ है, एक एक साल करके दो बार बढ़ाया गया था, 1976-77 की बात है, 75-76-77, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ताकि पैसा, संसाधन और ध्यान इंडिया की सिक्योरिटी पर रहे, ना कि इलेक्शन पर। तो लोकसभा के टर्म को एक्सटेंड किया जा सकता है, जबकि अगर स्टेट इमरजेंसी होता है तो लोकसभा की टर्म से इसका कोई लेना देना नहीं, वो तो एक स्टेट का आंतरिक मैटर है। अगर इंडिया में जनरल इलेक्शन हो रहा है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगली बात आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स। आप जानते हैं कि द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज अ फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच हैज बीन टेकन फ्रॉम द वीमर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी से हमने ये एक कॉन्सेप्ट लिया है कि अगर इंडिया में इमरजेंसी लगी हुई है तो वहाँ के जो, यहाँ के जो मौलिक अधिकार हैं उनको हम सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है वेन एवर देर इज अ नेशनल इमरजेंसी। अच्छा, ऐसा कुछ भी स्टेट इमरजेंसी के लिए नहीं होता ना, नो इफेक्ट्स ऑन स्टेट इमरजेंसी, याद रखना, ठीक है। इफेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स पर कोई नहीं पड़ते जब स्टेट इमरजेंसी लगती है, उसको भूल जाइए, नेशनल इमरजेंसी पर ध्यान दीजिए। इंडिया में जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो हमें जो पार्ट 3 के तहत आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन सभी नहीं और एक साथ नहीं, जितने भी टाइम तक इमरजेंसी लगी रहेगी उतने टाइम तक ये सस्पेंडेड रहेंगे। पर यहाँ पे यू हैव टू रिमेंबर फ्यू थिंग्स, आर्टिकल 358 यू हैव टू रिमेंबर एंड आर्टिकल 359। आर्टिकल 358 टॉक्स अबाउट आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 359 टॉक्स अबाउट रेस्ट फंडामेंटल राइट्स। पहली बात तो आप जानते ही होंगे, फंडामेंटल राइट्स में पढ़ाया था मैंने आपको कि हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान, लेकिन 20 और 21 में जो दिए हैं वो राइट सस्पेंड नहीं होते, ठीक है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड हमारा जब कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस हो रहा होता है उस टाइम के जो राइट्स हैं वो सस्पेंड नहीं होते, ये फंडामेंटल राइट्स में भी हमने पढ़ा। तो 20 और 21 को छोड़कर 14 से 32 तक के जितने राइट्स हैं वो सब सस्पेंड हो जाते हैं। 358 कहता है कि आर्टिकल 19 इन सभी राइट्स में सबसे सेंसिटिव है, बिकॉज इन आर्टिकल 19 यू हैव बीन प्रोवाइडेड द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, गैदरिंग, असेंबली, मूवमेंट, ऑल दिस। तो इमरजेंसी लगी हुई तो इन सब चीज़ें, सब चीज़ों से लॉ ऑर्डर, पीस, सिक्योरिटी, सब पर खतरा हो सकता है। तो आर्टिकल 358 सेज एज सून एज द प्रेसिडेंट declares the national emergency, yes, soon as the की जगह आप ये बोल लीजिए कि the proclamation of national emergency suspends the article 19 throughout that region. National emergency जैसे ही declare होती है उसके साथ ही मतलब उस वो declaration का मतलब ये होता है कि इंडिया से article 19 suspend कर दिया जा रहा है। इंडिया में अब किसी को भी आर्टिकल 19 के तहत सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, एंड आर्टिकल 19 का फंडामेंटल राइट इमरजेंसी डिक्लेरेशन के साथ ही हट जाता है, ठीक है। जबकि आर्टिकल 359 सेज, 19 के बारे में तो इसमें बता दिया कि सबसे सेंसिटिव है, जैसे इमरजेंसी लगी 19 हट गया। 359 सेज दैट आर्टिकल 19 छोड़ दो, 20-21 को छोड़ दो, नो वन कैन मूव टू एनी कोर्ट for enforcement of any fundamental rights during national emergency. No one can move to any court for the enforcement of fundamental right during national emergency. इसका क्या मतलब हुआ? Article 359 कहता है कि आप enforce कराने, fundamental rights को enforce कराने के लिए move नहीं कर सकते court में national emergency के दौरान। मतलब ये बताता है कि 19 के अलावा जितने फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, पर राइट्स नहीं सस्पेंड होते हैं, एक्चुअली उनका इन्फोर्समेंट सस्पेंड होता है। मुझे आर्टिकल 14 नेशनल इमरजेंसी के दौरान मेरे पास रहेगा, लेकिन अगर मेरे आर्टिकल 14 का हनन होता है और मैं उसको पाने के लिए कोर्ट जाना चाहती हूँ तो नॉर्मल कंडीशन में मैं जा सकती हूँ, पर इमरजेंसी के दौरान नहीं जा सकती। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 358 suspends the article 19 itself, whereas article 359 suspends the enforcement of rest of the fundamental rights. बाकी सब
फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होते हैं, उनका इन्फोर्समेंट यानी उसके लिए जब कानूनी जो कार्रवाई करते हैं वो सस्पेंड होता है। तो वो आपको राइट मिले हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपको नहीं मिल रहे और आप कानून का सहारा चाह रहे हैं तो वो नहीं हो सकता नेशनल इमरजेंसी के लिए, याद रखें इस चीज़ को। तो 358 के तहत 19 सस्पेंड होता है, 359 के तहत बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट सस्पेंड हो जाता है। दूसरी चीज़, 358 के तहत आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, जबकि 359 के तहत बाकी सारे राइट्स का इन्फोर्समेंट सस्पेंड करने के लिए एक अलग से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी होता है। जैसे ही राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन करेगा उसके कुछ दिन के बाद एक ऑर्डर जारी करेगा जिसमें आर्टिकल 359 के तहत बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट सस्पेंड कर देगा, ठीक है। तो उसी दिन से नहीं होता, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक साथ यहाँ पे लिख दिया फंडामेंटल राइट्स गेट सस्पेंडेड, ठीक। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेज, आप यू गॉट इट। ये सारी चीज़ों से क्वेश्चंस बनते हैं, ज़रा ज़रा सा दिमाग में हमारे कन्फ्यूजन रहते हैं, मैंने सारे कन्फ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश की कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का इम्पैक्ट क्या है, कारण क्या है, और अप्रूवल कैसा मिलता है, रिवोक कैसे होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इनकी इम्पोजिशंस पर। इंडिया में नेशनल इमरजेंसी सिर्फ 3 ही बार इम्पोज की गई है, 1962, 1971, 1975 एक्सटर्नल इमरजेंसी थी, जबकि 1975 इंटरनल इमरजेंसी है, ठीक है। अच्छा, ये 359 में एक डिफरेंस और समझ लेना, ठीक है। ध्यान दें कि 358 के तहत जो फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो रहा है वो सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी के लिए सस्पेंड हो रहा है, यानी वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है। और 359 के तहत जो इन्फोर्समेंट कैंसिल हो रहा है, सस्पेंड हो रहा है, वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही इमरजेंसी के लिए कैंसिल होता है। तो 358 के तहत आर्टिकल 19, यानी आर्टिकल 19 आपका सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी की वजह से हटेगा, जबकि बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट एक्सटर्नल इंटरनल दोनों ही इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है। वापस इसमें आता है तो 62 और 71 एक्सटर्नल इमरजेंसी, 75 इंटरनल इमरजेंसी। 62 क्यों लगाया गया था, उस टाइम इंडो चाइना वॉर चल रही थी इस वजह से। 71 क्यों लगाया गया था, इंडो पाकिस्तान वॉर चल रही थी इस वजह से। हालांकि 1965 में भी इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी, लेकिन 62 वाली इमरजेंसी कंटिन्यू थी, इसलिए नया फ्रेश प्रोक्लेमेशन नहीं किया गया, याद रखें, ठीक है। तो वो इमरजेंसी जो 1962 में लगाई गई थी, उसी के अंडर 1962 का इंडो चाइना वॉर भी हुआ, उसी के अंडर 1965 का इंडो पाकिस्तान वॉर भी हुआ था, ठीक है। तो ये इंडो चाइना वॉर, इंडो पाकिस्तान वॉर और 1975 की इमरजेंसी मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल वन, जिसकी वजह से इमरजेंसी के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बदले गए थे। आई कैन इनफैक्ट डील एन एंटायर लेक्चर ऑन द 1975 इमरजेंसी, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड द सिलेबस रिस्ट्रिक्शंस आई वोंट बी डीलिंग इट नाउ। अगर हम चाहेंगे तो बाद में इसको यूट्यूब वगैरह में हम इसको अलग से डील कर लेंगे, अभी तो सिर्फ जो रिलेवेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ। 1975 वॉज एन इंटरनल इमरजेंसी which was imposed on an internal grounds and that was internal disturbance. 1975 mein Fakhruddin Ali Ahmed was the president of India and Indira Gandhi was the prime minister. And Indira Gandhi ne Fakhruddin Ali Ahmed ke zariye 1975 ki emergency declare karwai aur reason diya gaya internal disturbance. Yes, internal disturbance. Now what is this? We have not yet dealt off with such any such reason in the reasons mentioned earlier. हमने वो तीन reasons में ये reason तो पढ़ा ही नहीं। Actually, 1975 तक के national emergency को impose करने की reasons में ये एक reason था, ठीक। और ये कौन से वाले reason की जगह पर था, armed rebellion जो आपने देखा था ना, पहले armed rebellion नाम का कोई word नहीं था reason में, उसकी जगह पर था internal disturbance। और इसी internal disturbance का सहारा लेकर इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली अहमद से कहलवा कर इंटरनल इमरजेंसी लगवाई थी। इंटरनल disturbance was a very vague word, ठीक है, कि अगर इंडिया के हालात डिस्टर्ब हैं तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है। What sort of disturbance? Financial disturbance, military disturbance, administrative disturbance, ठीक है, catastrophic disturbance, what type of disturbance? It doesn't define, नहीं define करता internal disturbance। तो उस वक्त कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो central government के favor में नहीं थी, ठीक है। अब देखो, many are allegations, I won't be favoring anything, बस ऐसा था कि कई डेमोक्रेटिक्स ये मानते हैं, कई संविधानविद ये मानते हैं कि वो emergency गलत reason से impose की गई थी,
ठीक है, बिकॉज इमरजेंसीज टूल शुड बी यूटिलाइज इन द रेयरस्ट ऑफ रेयर कंडीशन एंड दैट टाइम द सिचुएशन वॉज अंडर कंट्रोल. दैट टाइम नो सच सिचुएशन वॉज देयर इन इंडिया फॉर विच एन इमरजेंसी हैज टू बी इम्पोज, पर तब भी की गई क्योंकि इंदिरा गांधी इंडिया में सारे पावर्स अपने हाथों में लेना चाहती थी. शी वॉन्टेड अ सेंट्रलाइज गवर्नमेंट. एंड आप जानते हैं कि एक बार इमरजेंसी लग गई तो कितने भी टाइम तक हो सकती है. एक बार इमरजेंसी लग गई तो पूरे इंडिया के सारे स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर्स डिसॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, एक बार इमरजेंसी लग गई तो फंडामेंटल राइट्स पर असर आ जाता है. तो ऐसे में क्या होता है, तानाशाही भी हो सकती है. कितने भी टाइम तक के आप लगा लिए, एक बार इमरजेंसी लगी तो लोकसभा का इसी टाइम तो लोकसभा का जो टर्म है वो भी एक्सटेंड हुआ था. लोकसभा का टर्म आप कितने भी टाइम के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, ना गवर्नमेंट हटेगी नहीं, जो प्राइम मिनिस्टर वही बना रहेगा. तो कई लोग इसको दे एलेज दैट कि इंदिरा गांधी डिक्टेटरशिप करना चाह रही थी इसलिए उन्होंने लगाया था. शी टोल्ड मेनी रीजंस कि मिलिट्री इज बिकमिंग ओवर पावरफुल. ठीक है, वो हो सकता है जी गवर्नमेंट है उसको ओवर थ्रो करके खुद आ जाए. उस टाइम जेपी मूवमेंट चल रहा था, जॉर्ज फर्नांडिस का मूवमेंट चल रहा था, उसको उन्होंने बता दिया कि उन्होंने अमेरिका के साथ साजिश करके इंडिया के खिलाफ कुछ योजनाएं बनाई हैं. उसके अलावा उस टाइम पे इंडो पाकिस्तान बांग्लादेश का वॉर हुआ था, बांग्लादेश नया नया बना था, तो बांग्लादेश के कई रेफ्यूजीज जो हैं वो इंडिया में आए थे. ठीक है, घर के लिए तलाश में, रोज़गार की तलाश में, छत की तलाश में. आप जानते हैं कि हमारा नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट रीजन यानी बंगाल वाला रीजन, असम वाला रीजन बांग्लादेशी रिफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम से बहुत जूझ रहा है. तो उसी टाइम की बात है ये, 71 का जो वॉर थी उसके बाद हमने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था. तो बांग्लादेश के कई रेफ्यूजीज़ इंडिया आए थे और ये बंगाल असम वाला जो क्षेत्र है ये रेफ्यूजीज़ को शरण देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे. तो रेफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम थी, ऐसा करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को उन्होंने एक साथ कह दिया कि इंडिया में इंटरनल इमरजेंसी है या इंटरनल डिस्टर्बेंस है, इंडिया के आंतरिक हालात ख़राब है, इमरजेंसी लगा दी. ठीक है, फिर क्या था, सारे पावर सेंट्रलाइज्ड हो गए, पूरे इंडिया में हाहाकार मची. अचानक लोगों ने सोचा नहीं चाहिए, वॉर चल रही रहती है तो लोग सोचते हैं कि हाँ इमरजेंसी लग सकती है, आने तो कर, पर इन चीज़ों के बाद इमरजेंसी लग जाएगी ऐसा सोचा नहीं. तो अचानक ये एक एक्सप्लोजन हुआ, स्टेट गवर्नमेंट के सारे पावर सेंट्रल के हाथ में चले गए. बहरहाल ऐसा हुआ दैट दिस प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, लाइक इस प्रोक्लेमेशन के साथ में बहुत कंट्रोवर्सी हुई. ठीक है, आज तक आप जानते हैं कि अपोजिशन पार्टीज़ जितनी होती हैं वो इस इमरजेंसी को अनलॉफुल इलीगल कहलाती हैं. ब्लैक डे कहा जाता है जब इमरजेंसी लगाई गई थी. तो अब 1975 की इस इमरजेंसी के बाद पूरे देश में इस इमरजेंसी के डिक्लेरेशन के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठने लगी. हालांकि हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हुई थी, इंदिरा गांधी ने बहुत ज़्यादा 38 और 42 अमेंडमेंट के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बदलाव किए थे जिससे इनके लिए इमरजेंसी लगा पाना बहुत आसान हो गया था. बहरहाल ये 75 से 77 तक की रही इमरजेंसी, लेकिन क्योंकि बहुत इसका विरोध होने लगा तो इमरजेंसी इनको रिमूव करनी पड़ी. उसके बाद चुनाव हुए. चुनाव होने का याद रखिए कि वैसे तो एक एक साल करके आप एक्सटेंड कर सकते हैं लोकसभा के टर्म को इमरजेंसी के दौरान, लेकिन मान लीजिए आज आपने एक साल के लिए एक्सटेंड किया और 3 दिन बाद इमरजेंसी छट जाती है. आपने एक साल के लिए एक्सटेंड कर दिया लोकसभा के टर्म को और 3 दिन बाद इमरजेंसी हट जाती, तो इसका मतलब क्या कि 3 दिन के बाद पूरे एक साल तक हमको अगले इलेक्शन के लिए वेट करना पड़ेगा. इमरजेंसी तो हट गई, आपने एक साल के एक्सटेंड किया मतलब अगले साल ही इलेक्शन होंगे ऐसा नहीं. इमरजेंसी के हटने के फौरन 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कराने ज़रूरी. आप एट अ टाइम एक एक साल करके आप एक्सटेंड तो कर सकते हैं लोकसभा के टर्म को, लेकिन इसी बीच में अगर इमरजेंसी ही हट गई तो आपको इमरजेंसी के रिमूवल के विद इन 6 मंथ जनरल इलेक्शन करवाने होंगे. ऐसा ही कुछ हुआ था उस वक्त, जैसे इमरजेंसी हटाई गई 6 महीने के अंदर इलेक्शन हुए. और इसमें क्योंकि इमरजेंसी ने बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज़ को जन्म दिया था, इस वजह से इंदिरा गांधी इसमें हार गई. पहली बार जनता पार्टी की मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी और उन्होंने इमरजेंसी यानी नेशनल इमरजेंसी ख़ास तौर पर इसके इम्पोजिशन के कई सारे नियम कायदे कानूनों को एक संवैधानिक संशोधन के ज़रिए बदला. पहले इंदिरा गांधी ने 42 अमेंडमेंट 1976 के ज़रिए अब इमरजेंसी को इम्पोज करना आसान बनाया ताकि उनके लिए इमरजेंसी इम्पोज करना आसान हो जाए.
तो 42nd अमेंडमेंट में बहुत सारे से चेंजेस हुए थे, अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं अमेंडमेंट वाले चैप्टर में आपको बताऊंगी, जिसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को इम्पोज करना आसान बनाया था। और वहीं इस इमरजेंसी से जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई, लोगों को लगने लगी भाई गवर्नमेंट तो हमेशा ही रहेगी अगर इमरजेंसी लगी रही, वॉर भी नहीं हो रही जो खत्म हो जाए, और नेशनल इमरजेंसी तो इंडेफिनेट टाइम के लिए लग सकती थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। इस वजह से जब पार्टी बदली इलेक्शन के बाद जनता पार्टी की मोरारजी देसाई आए, तो 44th अमेंडमेंट हुआ, 44th अमेंडमेंट 1978, डू रिमेंबर 1978। इस अमेंडमेंट के जरिए नेशनल इमरजेंसी के रूल्स को टफ बनाया गया, ताकि फ्यूचर में कोई भी प्राइम मिनिस्टर इतनी आसानी से इमरजेंसी अपने फायदे के लिए ना लगा सके। कैसे टफ बनाया गया? सबसे पहले तो ये जो वर्ड था ना इंटरनल डिस्टरबेंस, इसको हटाया गया, इसी अमेंडमेंट के जरिए हटाया गया था कि इंटरनल डिस्टरबेंस नहीं आर्म्ड रिबेलियन। तो द वर्ड इंटरनल डिस्टरबेंस वॉज रिप्लेस्ड बाय आर्म्ड रिबेलियन, कि जब तक हिंसात्मक विद्रोह नहीं होंगे तब तक की इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी। दूसरी चीज जो मैंने कहा था ना कि नेशनल इमरजेंसी में 6-6 महीने में रिव्यू होता है, वो 6-6 महीने की रिव्यू का प्रोसेस भी इसी 44th अमेंडमेंट से ही लाया गया था, ठीक है। उसके अलावा नेशनल इमरजेंसी को आपको बताया था मैंने कि 1 महीने के अंदर अप्रूवल मिलना ज़रूरी, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी स्टेट इमरजेंसी में आपको बताया मैंने 2 महीने में अप्रूवल मिल सकता है, इन स्टेट इमरजेंसी के अप्रूवल को डिले किया जा सकता है, पर नेशनल इमरजेंसी के अप्रूवल को डिले नहीं किया जा सकता। तो पहले ऐसा था इस अमेंडमेंट से पहले तक के, 1978 के अमेंडमेंट से पहले तक के, कि नेशनल इमरजेंसी के अप्रूवल के लिए भी 2 महीने का समय था, लेकिन इसमें बदला गया कि नहीं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करवाती है तो 1 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिलना ज़रूरी। तो ऐसे 2-3 जो मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल है, और ऐसे कई चेंजेस किए गए जिससे कि फ्यूचर में कोई भी प्रधानमंत्री अपने फायदे के लिए नेशनल इमरजेंसी इम्पोज ना कर सके, ठीक है। सो दैट इज इट, ये थी कहानी नेशनल इमरजेंसी की इम्पोजिशन की, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगी, आई हैव टू स्टिक टू द टॉपिक। अगर हम स्टेट इमरजेंसी की बात करें तो सबसे पहली बार 1951 में पंजाब में लग गई थी स्टेट इमरजेंसी। अभी तक इंडिया के जितने 28 राज्य हैं हर जगह लग चुकी है, सिवाय तेलंगाना और छत्तीसगढ़, इन दोनों जगह बस नहीं लगी है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बार लगी है मणिपुर में, 10 बार, सेकंड में है यूपी, ठीक है। कई बार प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, कई वजहों से लग सकता है, हर स्टेट में लगा है, तेलंगाना छत्तीसगढ़ को फिलहाल तक छोड़ के, और सबसे ज़्यादा बार मणिपुर में लगे, ठीक है। ये सारी बातें होंगे नेशनल स्टेट इमरजेंसी की, आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज फॉर एवरी टाइप ऑफ एग्जाम, ठीक। अब हम पढ़ते हैं लास्ट वाला मिसलिनियस, फिनेंशियल इमरजेंसी। फिनेंशियल इमरजेंसी को मैंने अलग से इसलिए पढ़ाया क्योंकि इसकी लास्ट लाइन पढ़िए, नो सच इमरजेंसी हैव एवर बीन इम्पोज्ड इन इंडिया टिल नाउ। ये इमरजेंसी इंडिया में आज तक इम्पोज ही नहीं की गई किसी स्टेट में, तो इसलिए इसके कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस, कोई कंट्रोवर्सी कुछ है ही नहीं, इसलिए इसके पूछे जाने के भी चांसेस उतने ही लिमिटेड हैं। तो बस जिन टर्म्स में आपने उनको पढ़ा उन्हीं टर्म्स में इसको पढ़ लेते हैं, ठीक। रीज़न, फिनेंशियल इमरजेंसी किसी भी स्टेट में वहाँ की फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से लगाई जा सकती है। अगर किसी स्टेट के फिनेंशियल हालात ठीक नहीं हैं, क्रेडिबिलिटी या क्रेडिट में डिक्रीमेंट है, या वहाँ की फाइनेंशियल कंडीशन अंडर थ्रेट है, और गवर्नर को ऐसा लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के फाइनेंशियल हालात को संभालने में असमर्थ है, तो वो प्रेसिडेंट से कहेगा कि उस स्टेट के फाइनेंशियल पावर्स आप अपने हाथ में ले लीजिए। तो प्रेसिडेंट, बिल्कुल वही प्रोसेस है ना, कैबिनेट रिकमेंडेशन देगी, फिर प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा, वही प्रोसेस है। तो प्रेसिडेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कन्विंस हो जाती है कि हाँ भाई किसी स्टेट की गवर्नमेंट वहाँ के फाइनेंशियल चीज़ों को संभाल नहीं पा रही है और स्टेट की फाइनेंशियल हालात बहुत ख़राब है, तो वहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज कर देगी, ठीक है। और उससे होगा क्या, जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज की गई, उस स्टेट के सारे फाइनेंशियल पावर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व नहीं होगी, वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी करेगी, सब करेगी, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल डिसीजन जो पहले वो लिया करती थी स्टेट के, वो नहीं लेगी, वो पूरे डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, ठीक है। ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसमें स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व नहीं हो रही है और सिर्फ फाइनेंशियल पावर यूनिटरी फीचर के तहत सेंट्रलाइज्ड हो रहे हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें मैंने जैसे कहा, स्टेट गवर्नमेंट डजंट डिसॉल्व, नेशनल इमरजेंसी भी नहीं होती, इसमें भी नहीं होती, स्टेट इमरजेंसी में हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट। ओनली फाइनेंशियल पावर्स ऑफ स्टेट गेट सेंट्रलाइज्ड, बाकी पावर्स नहीं। पार्लियामेंट्री अप्रूवल 2 मंथ्स, एक्चुअली तीनों के लिए 2 मंथ्स था, वो तो अमेंडमेंट के बाद नेशनल इमरजेंसी के लिए 1 मंथ किया गया, तो इसको भी अप्रूवल 2 महीने के अंदर मिलना चाहिए।
वैलिडिटी इनडेफिनिट टाइम पीरियड, जब तक कि किसी स्टेट की फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो ठीक नहीं हो जाती तब तक ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट लगाएगा और कैबिनेट के कहने पे वो रिमूव कर सकता है। और इंडिया में आज तक इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। दैट इज इट, यू ओनली नीड टू नो दीज मेनी थिंग्स अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी, नथिंग मोर। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। इमरजेंसीज आर प्रोन टू जुडिशियल रिव्यू, उसमें जुडिशियल रिव्यू का स्कोप होता है, ध्यान में रखें, ठीक है। अगर गलत कारणों से इमरजेंसी लगाई जा सकती है तो हम न्यायपालिका का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। इतनी ही बातें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स, बट दिस वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चंस कई तरह के बनते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी बनते हैं और वहाँ पे आप अटके ना, इसलिए पूरी चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी थी, ठीक है। सो दैट इज इट विद द टॉपिक ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडिया। नेक्स्ट विल सी व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट या कौन से क्वेश्चन से फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। कहीं और कोई डाउट है एक्सप्लेनेशन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।